हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं और आज मौसम देखिए कितना प्यारा है, लग रहा है बारिश होने वाली है। तो मेरी सुबह स्टार्ट होती है चाय के साथ। सबसे पहले उठकर मैं चाय बना लेती हूँ। चाय पीने के बाद साफ़ सफाई का थोड़ा काम बाकी है तो वो मैं कर लूँगी, मतलब चीज़ें इधर उधर फैली हुई है तो मैं ठीक कर लूँगी, क्योंकि चीज़ें अगर इधर उधर बिखरी हुई रहती है तो नेगेटिविटी आता है। और सामान अगर आपका जगह पे सजा हुआ रहे तो पूरा दिन अच्छा जाता है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मैं इधर काम कर रही थी, फिर मेरे ध्यान में आया कि आयरन भी सो कर उठ गई है, तो मैं थोड़ा खेल रही थी उसके साथ और ये देखिए कितने अच्छे से कॉपी करना सीख गई है। और आयरिन जब करती है बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है देखने में। तो अब मैं इसकी ऑयल मसाज कर दूँगी और ऑयल मसाज करने से ये बिल्कुल भी नहीं रोती है, बहुत अच्छे से करवा लेती है। और ऑयल मसाज के साथ मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करती हूँ, इससे क्या होता है बच्चे को शरीर में आराम भी मिलता है और अगर कोई पेन हो तो वो ठीक भी हो जाता है। तो मालिश करने के बाद आयरिन को मैंने नहला दिया है तो वो अब आराम से सो जाएगी। तो अब मैं लंच की तैयारी कर लूँगी और बहुत ही सिंपल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये झटपट बन भी जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। तो एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून जीरा ऐड कर दिया है और जीरा थोड़ा चटकने के बाद मैंने आलू ऐड कर दिया है और आलू 2 मिनट तेल में फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर मटर और प्याज भी ऐड कर दिया है और स्वाद अनुसार मैं यहाँ पे नमक ऐड कर दूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दूँगी और 1 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया है। और मैंने यहाँ पे टोमेटो, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना लिया था तो उसे भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी और मसालों के साथ आलू का अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर पानी ऐड कर दूँगी और इसे ढककर 10 मिनट तक कुक कर लूँगी। तो 10 मिनट हो गया है और यहाँ पे देखिए ऑयल भी रिलीज़ हो गया है और 2 मिनट चला के आलू को थोड़ा मैश कर लेंगे ताकि ग्रेवी हमारा ठीक हो जाए। और लास्ट में मैं यहाँ पे धनिया ऐड करूँगी। तो अभी मैं एक बाउल में सर्व कर लूँगी और देखिए कितना यमी लग रहा है देखने में। तो कम टाइम में आप अगर कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और साथ में मैंने राइस और पोस्तो वड़ा भी बना लिया था। और लंच हम लोग का हो गया है और आयरिन भी सोकर उठ गई थी तो अभी पापा के साथ खेल रही है। और देखते ही देखते आयरिन 4 मंथ की हो गई है और उसकी 4 मंथ की फ़ोटोशूट भी बाकी है तो वो मैं आज करूँगी। तो पापा के साथ जब तक खेल रही है तो मैं शूट की तैयारी कर लेती हूँ। तो फ़ोटोशूट कंप्लीट हो गया है और फ़ोटोशूट का फुल वीडियो मेरे चैनल पे दिया हुआ है तो आप वहाँ पर जाके वॉच कर सकते हैं। और शाम को थोड़ा भूख लग रही थी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। ये रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस है, इससे बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैं दोनों तरफ बटर लगा के हल्का इसको सेक लूँगी, इससे पिज़्ज़ा में क्रंचीनेस आता है और पिज़्ज़ा का टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे माइक्रो ओवन में कर रही हूँ, आप पैन में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रेड ऑप्शन पे 150 डिग्री पर टाइमर सेट कर दूँगी और वेजिटेबल को मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी। तो एक पैन में मैंने 1 टीस्पून बटर ऐड कर दिया है और साथ में थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया है ताकि बटर हमारा जल ना जाए। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर दूँगी और फिर अनियन और कैप्सिकम भी ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा नमक डाल के मैं यहाँ पर ढक कर सॉटे कर लूँगी। और आप यहाँ पे और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, मेरे पास बस यही अवेलेबल है तो मैं यही कर रही हूँ। मैंने दोनों तरफ सेक लिया था, अब मैं बटर लगाऊंगी। अब इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा दूंगी, आप होममेड या बाज़ार का भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ थोड़ा मेयोनीज़ भी ऐड कर दूंगी। अब इसके ऊपर मैं चीज़ स्प्रेड कर दूंगी। अब इसके बाद अपने मनपसंद की सब्ज़ी आप यहाँ पर लगा दें। तो सारी डिज़ाइन मैं यहाँ पर बना देती हूँ जैसे रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा मिलता है। सब्ज़ी जो आपको नहीं पसंद है वो आप स्किप भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे पनीर भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में ही मैं थोड़ा ओरिगैनो भी स्प्रेड कर दूँगी। अब हमारा जो पिज़्ज़ा है रेडी हो गया है बेक होने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे ना, बेक करने के लिए इसे कढ़ाई में डाल देंगे या फिर ओवन में। कढ़ाई में आप पहले कढ़ाई को प्री हीट कर ले जैसे केक वगैरह बनाते हैं, या फिर प्री हीटेड ओवन में आप इसे 150 डिग्री पर 30 मिनट्स बेक करें। और ओवन को मैंने 150 डिग्री पर 15 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया था। तो ये हमारा जो पिज़्ज़ा है ये अब बनकर तैयार है। तो रेस्टोरेंट से अच्छा पिज़्ज़ा आप घर पे बना सकते हैं, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो सुबह मैंने कपड़े धोकर सुखाए थे तो वो मैं अब उठा लूँगी।
और माइक्रोवेन भी गंदा हो गया था। बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ करूँगी लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि आयरिन भी बहुत छोटी है तो उसको भी संभालना पड़ता है। तो आज टाइम मिला है तो आज मैं कर लूँगी। क्या हो रहा है, हंसी किस बात की? मम्मा मम्मा। और आयरिन अभी मुस्कुराती रहती है, मम्मा क्या कर रही है इधर उधर ताकती रहती है। आयरिन अभी खेल रही है तो मैं डिनर की तैयारी कर लूँगी। तो अभी मैं नान पराठा बनाऊँगी तो उसके लिए आटा गूंद लूँगी। तो मैदा में मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है और 1 कटोरी जैसा दही और 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं एक सॉफ्ट डो गूंद लूँगी और ऊपर से थोड़ा ऑयल लगा दूँगी ताकि ऊपर का पोर्शन सूख ना जाए। तो यहाँ पे देखिए मैदा जो हमने गूंद के रखा था वो बहुत अच्छे से फूल के ऊपर आ गया है। तो अब मैं पराठा बना लूँगी। पराठा यहाँ पे बनकर तैयार है और साथ में मैंने चिकन रिजाला भी बनाया था। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब हम लोग डिनर कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखिए रात के 3 बजने जा रहे हैं और आयरिन बिल्कुल भी सोने के मूड में नहीं है, बस झुनझुनी हाथ में लेकर देखे जा रही है और पापा के साथ खेलने में बिज़ी है। और अभी 4 बजने जा रहे हैं, वो कभी कभी सो जाती है, कभी कभी बिल्कुल भी सोना नहीं चाहती है। तो फाइनली आयरिन सो गई है और उसके पापा भी सो गए हैं। फिर 2-3 घंटा बाद फिर दूध पीती है, फिर सो जाती है। तो बच्चे लोग का ऐसा ही है, कभी सोती है कभी जागती है। तो हम दोनों मिलके सुबह से रात तक संभालते हैं। तो आजकल कुछ ऐसा ही जा रहा है हम लोग का दिन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।